सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेमस एसे ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बैकन फ्रांसिस बैकन वॉज अ फेमस एसेइस्ट ऑफ़ द दिक्कसटीन सेंचुरी सोलहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध निबंधकार थे फ्रांसिस बैकन साहब ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज उन्हें फादर ऑफ इंग्लिस एसेज के नाम से भी जाना जाता है ही वॉज बोर्न इन फिफ्टीन सिक्सटी वन उनका जन्म पंद्रह में हुआ एंड डाइड इन सिक्सटीन और सोलह में उनकी मृत्यु हुई ही वॉज़ एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज उनकी पढ़ाई जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में हुई थी ही पब्लिश हिज कलेक्शन ऑफ एसेज टाइटल्ड एसेज उनकी ऐसे कलेक्शन जिसका नाम भी एसेज था पंद्रह सौ सत्तानवे फिफ्टीन सेवन में पब्लिश हुई थी ही रोट हीज इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे उनकी जितने भी निबंध हैं वो काफी प्रैक्टिकल वे में लिखी गई है मतलब निजी जीवन से काफी रिलेटेबल है या फिर कह लें तो हमारे जो दैनिक जीवन है उससे काफी ज्यादा रिलेटेबल है ही यूज द प्रोज स्टाइल टू कन्वे हीज आइडियाज वो भले ही ऐसे लिखते थे लेकिन जो उसका शैली होता था लिखने का वो बिल्कुल प्रोज जैसा होता था कहानियों जैसा होता था ही रोट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स उन्होंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर लिखा जैसे हेल्थ लव स्टडी वर्क ट्रुथ ट्रैवल फ्रेंडशिप ब्यूटी एंगर एट्सेट्रा इन सब टॉपिक्स पर उन्होंने लिखा यानी हेल्थ स्वास्थ्य हो गया लव प्रेम स्टडी अध्ययन वर्क कार्य ट्रुथ सच्चाई ट्रैवल यात्रा फ्रेंडशिप मित्रता ब्यूटी सुंदरता एंगर गुस्सा क्रोध एट्सेट्रा ही बिलीव्ड दैट अ राइटर मस्ट बी वेरी क्लियर एंड प्रैक्टिकल वाइल राइटिंग उनका मानना था कि एक राइटर को हमेशा ही प्रैक्टिकल होना चाहिए काफ़ी स्पष्ट होना चाहिए यानी बातें जो वो करे वो रीडर्स तक साफ साफ पहुँचे उनमें कोई बट नहीं हो यानी कोई तरह का कन्फ्यूजन ना हो ऑफ स्टडीज इज एन ऐसे रिटन बाय फ्रांसिस बैकन ये फ्रांसिस बैकन के द्वारा लिखी गई एक ऐसे है इन द ऐसे निबंध में द ऑथर डिस्क्राइब्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडीज़ इन ह्यूमन लाइफ मनुष्य जीवन में अध्ययन का क्या महत्व है वो इस बारे में बात करते हैं ही बिगीन्स द एसे बाय स्टेटिंग थ्री पर्पिज ऑफ स्टडीज वो अध्ययन के तीन उद्देश्य को बताते हैं हमारे जीवन में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए उस पर वो फोकस करते हुए इस निबंध की शुरुआत करते हैं द फर्स्ट वन इज टू डिलाइट टू डिलाइट मीन्स खुश होना टू बिकम हैप्पी फॉर ऑर्नामेंट और ज्वेलरी ऑर्नामेंट ज्वेलरी का मतलब तो आभूषण होता है लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि हम इससे ज्ञान हासिल करें जिससे कि हमारी शोभा बढ़े फॉर एबिलिटी और तीसरी और आखिरी बात उन्होंने जो पर्पस बताई है वो है हमारी सामर्थ्य हमारी ताकत जो कि हमें स्टडी से ही मिलती है द फर्स्ट पर्पज़ इज़ वेरी जेनुइन पहला जो उद्देश्य है वो काफ़ी जेनुइन है स्टडी ऑलवेज मेक्स अस डिलइटेड अध्ययन हमें हमेशा खुशी देता है स्टडी एंड हैप्पीनेस बोथ आर इंटर रिलेटेड टर्म्स स्टडी और हैप्पीनेस दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं द सेकेंड वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज नॉलेज विच इज़ गेंड थ्रू स्टडी यानी जो स्टडी के थ्रू जो नॉलेज गेन किया जाता है वो हमारे जीवन को सुंदर बनाता है ब्यूटिफुल बनाता है मेक्स आवर लाइफ ब्यूटिफुल सो वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि इट इज़ लाइक एन ऑर्नामेंट फॉर ऑल ऑफ अस ये हम सबों के लिए आभूषण की तरह है एंड द फाइनल एंड द थर्ड वन इज़ द नीड ऑफ आर लाइफ हमारे जीवन की जरूरत भी है अध्ययन कितना जरूरी है हमारे जीवन में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ सकता है स्टडी ऑलवेज गिवस अस एबिलिटी यह हमें ताकत देती है अ वेल रेड मैन एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी कैन स्पीक एंड जज एवरी थिंग क्वाइट ईजीली किसी भी चीज़ का फैसला जो है वो काफ़ी आसानी से ले सकता है अ लर्निड मैन हैज़ लेस डिफिकल्टीज इन इज़ लाइफ एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने जीवन में कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन द फर्दर पार्ट ऑफ द एसे बैकन सेज आगे के हिस्से में बैकन कहते हैं निबंध में दैट स्टडिंग टू मच इज़ द सिंबल ऑफ लेजिनेस कि ज़्यादा पढ़ना भी जो है आलस्य का एक तरह से प्रतीक है टू यूज टू मच ऑर्नामेंटल और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मेक्स अस प्रिटेंसेस यदि हम बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज को यूज़ करते हैं दिखावे के लिए भारी भरकम भाषा का, का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ढोंग पाखंड जैसा लगता है द एक्चुअल आइडेंटिटी ऑफ अ स्कॉलर एक पढ़े लिखे व्यक्ति एक विद्वान व्यक्ति की जो वास्तविक पहचान है इज़ टू मेक अ गुड जजमेंट ऑलवेज उसका पहचान यही है कि वो हमेशा अच्छा जजमेंट करे अच्छे फैसले ले, ले. स्टडी मेक्स अ मैन परफेक्ट स्टडी एक व्यक्ति को पूरा बनाता है पूर्ण बनाता है इट इज़ नेवर एन इनबॉर्न टैलेंट ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है इट इज़ अचीव्ड और अक्वायर्ड इसे प्राप्त किया जाता है इसे हासिल किया जाता है एज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज इन्हांस्ड और इंक्रीज बाय ट्रिमिंग और कटिंग इन द सिमिलर वे यानी जिस तरह से एक पौधे को बढ़ने देने के लिए हम उसको काटते हैं उसको ट्रिम करते हैं उसी तरह से इन द सिमिलर वे वी कैन एनहेंस आवर इफिशंसी और एबिलिटी हम अपनी क्षमता को अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं बाई स्टडिंग प्रॉपरली सही से पढ़कर इट प्रोवाइड्स अस बोथ डायरेक्शन एंड एक्सपीरियंस यह हमें सही दिशा भी दिखाती है और अनुभव भी देती है प्रैक्टिकल और लॉजिकल मैन ऑलवेज कंडेम्स यानी एक प्रैक्टिकल आदमी जो एक समझदार आदमी है एक तार्किक आदमी जो है वो हमेशा क्या करता है निंदा करता है क्रिटिसाइज करता है इस चीज़ की बट वाइज मैन यूज़ इट लेकिन बुद्धिमान लोग इसका प्रयोग करते हैं यानी बातें तो सभी कर लेते हैं ज्ञान की बातें सभी कर लेते हैं लेकिन वाकई में वही बुद्धिमान है जो इनको यूज़ भी करता है इट टीचेज हाउ टू लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस ये हमें सिखाती है कि किस तरह से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं इट मस्ट बी यूज टू थिंक बिकॉज इट मेक्स आवर माइंड थाटफुल स्टडी का प्रयोग जो है हमें सोचने के लिए भी करना चाहिए अपने नॉलेज का प्रयोग हमें अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए भी करना चाहिए क्योंकि यह हमारे मन को विचारवान बनाती है इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द एस ए बैक एंड टॉक्स अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच बुक्स कैन बी रेड और बाकी के पार्ट में वो बताते हैं हमें कि किस तरह से हम किताबों को पढ़ सकते हैं ही सेज वे कहते हैं सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड कुछ किताबें टेस्ट करने के लिए होती हैं अदर्स टू बी स्वैलोड कुछ स्वेलो करने के लिए होती हैं एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड और कुछ जो होते हैं च्यू और डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं आप मतलब नहीं समझ पाए ना तो हम क्लियर करते हैं कुछ किताबें बस टेस्ट करने के लिए मतलब बस पढ़िए और उसका आनंद लीजिए कुछ किताबें होती हैं कि हम उन्हें पढ़कर उससे ज्ञान हासिल करें और कुछ किताबें होती हैं कि हम उन्हें पढ़ें हासिल भी करें ज्ञान भी हासिल करें और साथ ही साथ उसका पालन भी करें दिस मीन्स दैट सम बुक्स शुड बी टेकन लाइटली इसका मतलब है कि कुछ किताबें हल्के में ली जानी चाहिए नॉट सीरियसली मैंने मतलब उसके उससे एंटरटेनमेंट कीजिए अपना अदर्स टू भी अंडरस्टूड कुछ किताबों को समझिए एंड सम अदर्स टू बी एन्जॉयड और कुछ किताबों को एंजॉय कीजिए एन्जॉय मीन्स लाइक उसको लाइफ में प्रैक्टिकल वे में यूज़ भी करिए मेन्स कैरेक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड एंड डिफाइंड बाई द टाइप्स ऑफ बुक्स दैट ही रीड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनका वो कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो चरित्र है इसी बात से पता लगता है उसी बात से समझ आता है कि वो किस तरह की किताबें पढ़ता है देअर इज़ नो मेंटल इलनेस और डिजीज विच कैन नॉट बी क्योर्ड बाई स्टडिंग बुक्स किताबों को पढ़कर ऐसी कोई मानसिक बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना किया जा सके दस बैकन फाइंडस दैट स्टडी इज लाइक अ रेमेडी स्टडी एक उपचार की तरह है फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स सभी मनुष्य के लिए दस इस प्रकार वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि फ्रेंसिस बैकन नॉट ओनली रोट एसेज उन्होंने सिर्फ निबंध ही नहीं लिखा बट ऑल्सो टॉट अस द वेज ऑफ लाइफ हमें जीवन के तरीके भी सिखाए हिज एसेज स्टेट हिम एज ए उनके जो एसेज हैं वो उन्हें स्थापित करते हैं एक ग्रेट क्रिटिक के तौर पर एक महान आलोचक के तौर पर एक प्रीचर एक उपदेशक के तौर पर एंड एसेइस्ट और एक निबंधकार के तौर पर दिस इज़ द रीज़न यही कारण है दैट ही इज़ वेल नोन वो जाने जाते हैं एज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड एसीज वो एक अंग्रेजी के प्रोज और एसीज के फादर के तौर पर भी जाने जाते हैं दैर वॉज इट आई होप यू गॉट इट थैंक्स फॉर वॉचिंग